वो एक और जगह से आई है कॉल हमें कि उनके घर में सांप निकला है, तो हमें अभी जाना है उनके घर में, उस सांप को रेस्क्यू करना है। वीडियो को थोड़ा सा रोकेंगे बीच में। तो और ये फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं उनके घर पे, और ये हम चले अंदर और देखो अभी हम कैसे रेस्क्यू करते हैं हाँ जल्दी आ, जल्दी आओ, सांप निकले था, अंदर नहीं जाने वाला, रास्ता बंद है ये और पंडित जी डरना नहीं है, टेंशन नहीं करनी, मैं आई ना, नहीं कोई जगह नहीं है, टेंशन नहीं करनी है, रेस्क्यू वाले बुलाया। देखो अभी यहाँ पे सांप निकला है, तो हम अभी इसको सांप को रेस्क्यू करेंगे यहाँ से। आंटी जी बहुत डर गए हैं, इसके नीचे है पक्का। हाँ अभी हम देखेंगे सांप कहाँ पे। वो है, वो है, वो है। ओ बाप रे, बिल्कुल बिल्कुल आंटी का कहना बिल्कुल सही था, यही था सांप। ये देखिए, ये देखिए, अरे रुको रुको रुको, ये देखो, ये है सांप, ये है कॉमन बुल स्नेक। इसको लोग क्रेट स्नेक समझ के मार देते हैं, पर ये क्रेट स्नेक नहीं है, ये बुल स्नेक है, नॉन पॉइजनियस, ये जहरीला नहीं है दोस्तों, इसे लोग जहरीला समझकर मार देते हैं। काटेगा, काटता तो है भैया, दांत है उसके, काटेगा, पर घबराना नहीं है, मरोगे नहीं आप। ये दिखावा का मैं लेने खाई गया ना, नहीं नहीं भैया ये कुछ नहीं करेगा, ये बिल्कुल नॉन नॉन पॉइजनियस, इसमें जहर नहीं होता है, काटता है फिर भी, काटता है, काटेगा, दांत है भैया उसके, पर ओ, ओ, ओ। इतना गुस्सा नहीं करना साहब। अच्छा अभी हमने इसको रेस्क्यू कर लिया, जैसा कि आप देखें, ये देखो ये काटना चाहता है, ये मुझे काटना चाहता है, ओ देखो ये मुझे काटना चाहता है। हम इसको अभी लेके जा रहे हैं, हमारा वुल्फ स्नेक, ये कॉमन क्रेट की तरह लगता है, ये मतलब कि बहुत जहरीला है, पर ये वैसा नहीं है, ये है कॉमन वुल्फ स्नेक। देखो दोस्तों इसने तो हमारे पसीने ही निकाल दिए थे, लगा कि ये क्रेट ही है, पर डरना नहीं है। अभी हमारे पास वो क्रेट स्नेक तो नहीं है, पर वुल्फ स्नेक और कॉमन क्रेट में डिफ्रेंशिएट करना आसान है, थोड़ा सा मतलब कि जानकारी चाहिए, और हम मतलब कि इसको देख सकते हैं कि वो वुल्फ स्नेक है कि वो क्रेट स्नेक है, पर अभी हमारा वो है नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में शायद हम आपको दोनों सांप एक साथ बता सकें, पर ये बेसिकली वुल्फ स्नेक है, इससे कोई खतरा नहीं है। ओके दोस्तों, बाय, गुड लक, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आने वाली और वीडियोस के लिए। ये देखिए हम अभी सांप को ले आए हैं, सांप बड़ा अच्छा है, अच्छे कंडीशन में है, बड़ा एक्टिव है, ये देखो आ गया बाहर, छोटे से पॉलिथीन में हम लाए हैं इसको, और लोग कहते हैं लोग कहते हैं हम इसको मार ही देंगे, अभी मारना क्यों है भाई इसको। मच्छर देखो, ये रहा, अरे बाप बाप, काट सकता है भाई ये, पर जहरीला है। देखिए अब हम इसे छोड़ने जाएंगे, आ जाओ। अच्छा ये फ्रेंड्स, ये हम इसको रिलीज कर रहे हैं और ये जा रहा है, फ्रेंड्स अभी हमने उसको छोड़ दिया है और अभी वो अपने जो एनवायरनमेंट में जा चुका है। तो भाई लोग मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को मत मारें, और एनवायरनमेंट की जो भी वो हैं चीज़ें उसे संभाल के रखें, और उन्हें उतना यूज़ करें जितना एनवायरनमेंट को फ़र्क ना पड़े और ख़ुद को भी ना पड़े। ये वाला वीडियो हम यहीं करते हैं एंड, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।